हेलो गाइस एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंपल फूडी स्नेहा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, कमेंट करके बताना। गाइस आप लोग बताइए मैं आज क्या बना रही हूँ। चलो मैं बता रही हूँ गाइस, आज मैं लिट्टी चोखा बना रही हूँ। लिट्टी चोखा बनाने की स्टोरी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। लिट्टी चोखा मैंने लिट्टी कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड वो लाई हुई थी, मैंने खाया हुआ था तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फिर मैंने उससे बोला था ये कैसे बनाते हैं। उसके बाद फिर मैंने सोचा था कि मैं भी अपने घर पे एक दिन लिट्टी चोखा बनाऊंगी। तो मैं सत्तू लेके आई हुई थी मार्केट से। फिर मैंने सोचा चलो बनाते हैं। गाइस ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया हुआ था, तो मैंने आटे को गूंद लिया था। फिर मैंने सत्तू लिया हुआ था, सत्तू में मैंने ग्रीन चिली डाली हुई थी, हरा धनिया डाला हुआ था, मतलब धनिया की पत्ती डाली हुई थी, अदरक लहसुन का पेस्ट पड़ा हुआ था, उसमें अचार का जो मसाला होता वो पड़ा हुआ था, फिर मैंने जीरा पाउडर और ये सब डाला हुआ था, सौंफ वगैरह डाली हुई थी, फिर मैंने इसमें अनियन भी ऐड किया हुआ था, फिर मैंने मसाले डाले हुए थे, सॉल्ट वगैरह यही सब था। फिर उसमें मैंने लास्ट में मैंने घी ऐड किया हुआ था। घी ऐड करने के बाद फिर मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, जिससे कि वो पूरे में मिक्स हो जाए, उसका फ्लेवर जो रहे सब में अच्छे से आए। फिर मैं मतलब मिक्स करने के बाद फिर मैंने उसको अच्छे से मिला लिया, जिससे कि वो एकदम स्मूथ हो जाए। ये स्टफिंग है सत्तू की, जिसे हम लिट्टी के अंदर मतलब जो गेहूं का आटा है उसके अंदर इसको हम फिल करेंगे। इसको अच्छे से सॉफ्ट कर लेना, अगर आपको कम लगे तो इसमें आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, जिससे थोड़ा वो गीला रहे। फिर ये जैसे आप आलू के पराठे बनाते हैं ना, सेम वैसे ही फीलिंग इसकी मतलब करते हैं, स्टफिंग जो होता है उसमें ऐसे ही फिल करते हैं, सेम वैसे ही इसमें भी प्रोसेस होती है। ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया हुआ था, बट गाइस ये बहुत टेस्टी बनी हुई थी और मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई हुई थी, तो सब ने बहुत अच्छे से खाया हुआ था। हम इसको स्पून की हेल्प से इसको स्टफिंग को भर लेते हैं। उसके बाद हम एकदम इसको मोमोज के तरीके, मतलब मोमोज शेप में नहीं बनाते बट उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं और इसको उसी में राउंड कर देते हैं। आप लिट्टी का जो शेप आपको पसंद हो वो शेप आप दे दीजिए, अगर आपको गोल पसंद है किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर सभी गोल बनाते हैं तो सब गोल ही पसंद है, तो मैंने भी वही बनाया हुआ था। तो ये मैंने बहुत सारी बना के रख ली हुई थी। फिर मैंने उधर कढ़ाई में ऑयल भी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। गाइस ये लिट्टी बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी, मैं तो गर्मी में बना रही थी, मैं सबसे लास्ट में खाई और मेरे लिए इतनी बची भी नहीं थी। वैसे बनाई तो थी मैंने बट सभी ने खा ली थी। सेम वैसे ही करना है आपको, गोल करके रख देना है। गाइस इसी तरह मैंने सारी लिट्टी को रेडी कर लिया था। ऑयल में हम लिट्टी को डाल देंगे। ऑयल मतलब ऑयल की जो फ्लेम है, मतलब उसको ना ज़्यादा हाई रखना है ना ज़्यादा लो रखना है, मीडियम रखना है, जिससे कि ना ज़्यादा लिट्टी जल जाए और इतना रखना है कि वो अच्छे से पक जाए, फ्राई हो जाए। लिट्टी को हम मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे क्योंकि वो अंदर तक अच्छे से पक जाए, जिससे कि वो उसका जो टेस्ट है अंदर अच्छा आए। सारी लिट्टी को हम फ्राई कर लेंगे। ये मैंने लिट्टी को फ्राई होने के लिए चढ़ा दिया है और बहुत ही क्रिस्पी बनी हुई थी, बहुत क्रिस्पी थी। इसके चोखे के लिए मैंने बैंगन लिया हुआ था, आलू लिया हुआ था और टमाटर लिया हुआ था। उसको मैंने पहले ऑयल लगा के उसको कढ़ाई में भून लिया था, फिर मैंने उसको बॉईल कर लिया था। तो इसके पहले मैंने चोखा रेडी कर लिया था, जो मैंने अभी दिखाया होगा। चोखा रेडी करने के बाद फिर उसमें ये सब मसाले वगैरह मैश कर लिए, क्योंकि मैंने चोखे को बॉईल करने के बाद फिर उसको मैंने अलग से मतलब एक्स्ट्रा में पकाया हुआ नहीं था। ये देखिए गाइस थोड़ी लिट्टी बची हुई है, इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। और लिट्टी बन जाने के बाद आप लिट्टी को चोखे के साथ या ग्रीन चटनी के साथ या टमाटो सॉस के साथ खा सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर इसको लिट्टी को सभी लोग चोखे के साथ खाना पसंद करते हैं, तो मैंने भी इसीलिए चोखा बनाया हुआ था। ये सब मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाया हुआ था बट जो भी बनाया था वो बहुत ही अच्छा बना हुआ था, घर में भी सबको बहुत पसंद आया हुआ था और मैंने बोला इसको मैं फिर से बनाऊंगी। ये सारी लिट्टी बनके रेडी हो गई। ये देखिए मैंने इतनी सारी लिट्टी बनाई हुई है, इसमें से बनते बनते
तीन चार खा भी गई हैं, और ये चोखा है इसमें से खाया भी गया है अभी अभी इतना जो मैंने बनाया है लास्ट में, अभी ये है। देखिए गाइस मेरी प्लेट लिट्टी चोखा की लग चुकी है। मैंने चोखा लिया हुआ है, टमाटो सॉस लिया हुआ है और ग्रीन चिली सॉस ली हुई है, और ये बहुत ही देखने में भी बहुत टेस्टी लग रहा था और खाने में तो बहुत टेस्टी था। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना।